स्टार्ट कोविड टर्म, कोविड के बाद वाला टर्म। कोविड मतलब हाँ, घर पे ही थे तब सब लोग, बस धीरे धीरे निकलना स्टार्ट ही किए थे एकदम ऐसे थोड़ा थोड़ा। चलो, ओ देर आर थ्री क्वेश्चंस, सो वील डू टू क्वेश्चंस टुडे। ओके, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशूड अ 20 ईयर विथ प्रॉफिट्स एंडोमेंट अश्योरेंस पॉलिसी विथ अ बेसिक सम अश्योर्ड ऑफ 30,000 टू अ लाइफ एज 30 एग्जैक्ट ऑन 1 जनवरी 2000। ठीक है, तो 1 जनवरी 2000 में एक इशू किया है पॉलिसी, लाइफ एज मतलब बेसिकली 2020 में तो वो खत्म ही हो गया है, हो जाएगा। प्रीमियम्स ऑफ 1000 पर एनम वर पेबल एनुअली इन एडवांस थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी और अंटिल द अर्लियर डेथ। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टर्मिनल बोनस पेबल एट मैच्योरिटी फॉर दिस पॉलिसी द कंपनी कैलकुलेटेड द ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपीरियंस। द लेवल ऑफ टर्मिनल बोनस वॉज सेट सच दैट द टोटल बेनिफिट पेबल ऑन मैच्योरिटी वॉज इक्वल टू द ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व। तो क्या बोल रहे हैं कि कितना बेनिफिट हम लोग पे करें, जितना भी अपना ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व आ रहा है, जो ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व निकालते हैं ना, उतना ही अपने बेनिफिट पे करेंगे लास्ट में एज अ टर्मिनल बोनस। द कंपनी डज नॉट पे अ टर्मिनल बोनस ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। डेथ बेनिफिट्स आर पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। खाली मेच्योरिटी पे मिलेगा टर्मिनल बोनस, नॉट ऑन डेथ, नॉट ऑन डेथ, खाली मेच्योरिटी पे मिल रहे। देखो, नॉट ऑन डेथ, ठीक है। एक इसमें से बुक निकालो ना, ये मोटा वाला जो बुक रखा है। द कंपनी डज नॉट एड एनी रिवर्जनरी बोनसेस, तो कोई रिवर्जनरी बोनस भी नहीं है। डेथ पे देर इज नो बोनस, मेच्योरिटी पे देर इज अ टर्मिनल बोनस। द अजम्पशंस टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन आर सेट इन क्वेश्चन वन बेस शीट, थैंक यू, ऑफ द एक्सेल आंसर वर्कबुक। तो इसको निकालो एक्सेल शीट को। अजम्पशंस देख लो, इनिशियल एक्सपेंस दिया हुआ है, रिन्यूअल एक्सपेंस आधे साल का दिया हुआ है, पेबल फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑफ द पॉलिसी। तो बेसिकली ये जो है ये सेकेंड ईयर का है। जीरो इन ऑल द अदर ईयर्स क्लेम एक्सपेंस, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दिया हुआ है। दिस इज द रिटर्न्स व्हिच वी विल टेक फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स, ठीक है, और मोर्टैलिटी रेट्स दिया हुआ है। अब बोल रहा है कंस्ट्रक्ट यूजिंग द रिकर्सिव अप्रोच अ शेड्यूल शोइंग द ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व फॉर ईच पॉलिसी ईयर फॉर दिस पॉलिसी। करो स्टार्ट, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, गिव मी 1 सेकेंड। करो, यहां मत देखो, रीड करके स्टार्ट करो करना। बैठ ही गई हो तुम तो, थोड़ा तो ट्राई करो एटलीस्ट। एग्जाम में कौन आएगा, भगवान? नहीं, वैसे कब है तुम लोग का एग्जाम? 8 और 9, 8 और 9 को है इस बार एग्जाम। इस बार जल्दी रख दिया अप्रैल में, नहीं तो सेकेंड वीक से स्टार्ट होता है, मतलब थर्ड वीक से।
हाँ मतलब यूजुअली वही 15 14 15 के बाद करो, पढ़ो भाई पढ़ो, डेली होगा क्यों? कल क्या है? कल कल क्या है? पक तुम्हारा क्या है? सर से बात करके जाना। नहीं, प्लीज स्टॉप क्रिबिंग इन माय क्लास। देखो मेरा आई हैव टू टेक एनी वेज ऑल पेपर भी, ठीक है? तो आई एम ओपन विथ एवरी थिंग, बट दिस शेड्यूल आई हैव नॉट टेकन। सर ने मेरे को दिया है, तो तुम लोग उनसे डिस्कस कर लो जाके, तुम लोग को जो इशू है मेरे को बोलोगे तो एनी वेज, मैं बोलूंगी तो सर नहीं समझेंगे। यू विल हैव टू गो एंड कन्विंस हिम। कन्विंसिंग पार है तो जाओ कन्विंस करो। चलो निकालो। ठीक है, ये दिया हुआ है बेसिक सम शॉर्ट क्या होगा? 30,000। ये अपना कांस्टेंट है क्या? 30,000 फॉर ऑल द 20 ईयर्स कांस्टेंट है। क्यू एक्स क्या होगा फ्रॉम द फर्स्ट शीट? क्यू एक्स यहाँ से ले लो, एज 30 है ना, तो जाओ 30 पे जाओ। ठीक है, क्यू एक्स आ गया। क्यू एक्स के बाद क्यों तो बोल रहे कि कल क्लास नहीं रखने? बोला था आप बोले थे ना सर। अब तुम जाओ जाओ, तुम सर से पढ़ना जाओ। करो ना, चली चली खत्म। नहीं कर लेती है ठीक। कॉलेज जिसका है उसको तुम 3:40 पे छोड़ देना, और बाकी 6 बजे के कितना लोग बजे चले, सेकंड या थर्ड? आज अभी थर्ड स्टार्ट हुआ है। अब देखो ग्रॉस पॉलिसी वैल्यू जो है उसको निकालने के लिए तो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा ना, प्रीमियम एंड वो सारी कैलकुलेशंस करने होंगे। तो प्रीमियम क्या होगा? ये कांस्टेंट है आई, ये कांस्टेंट है, ये वाला तो मैं जीरो करती हूँ बिकॉज स्टार्ट ही नहीं हुआ पॉलिसी, तो उसका वैल्यू जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1,000, उसको ड्रैग कर देंगे। नेक्स्ट प्रीमियम के बाद हम लोग एक्सपेंसेस सब कुछ ले लो। इनिशियल क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस साथ में लेंगे क्या? एक्सपेंसेस इनिशियल एक्सपेंस उधर से जाके ना उसको उठाओ, ऐसे लिंक करो।
ठीक है, इनिशियल एक्सपेंस एंड दिस इज रिन्यूअल एक्सपेंस, इधर से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट वैल्यू 18.88 मैच कर लो। ये इन्होंने कैसे दिया, मैं वही समझ रही हूँ कि आई थिंक पहला साल का फिर नहीं लेंगे अपने अपने यहां से स्टार्ट करेंगे। ये ट्रिक है, इन्होंने हमें जाल में फंसाया है। वील यूज दिस वैल्यू बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, कुछ मिस्टेक है इनके शीट में, ये नहीं हो सकता। सो वील स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड वैल्यू। जस्ट मेक श्योर योर लास्ट वैल्यू इज 19.26, इट शुड मैच द योर। उसके बाद वी हैव आफ्टर एक्सपेंसेस, वी हैव वॉट। अब इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स लेंगे कि हमें, अरे वो जो इंटरेस्ट लेते हो ना वो है ये बेसिकली। रिटर्न्स नहीं, इंटरेस्ट लेते हैं ना वैसे ही इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितने का है, प्रीमियम माइनस दिस इनटू क्या ऐड करना है? नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन रीड करो जाके और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वो गलत है, उन्होंने कुछ गलत कर रखा है उधर। ठीक है, तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, देख लो। नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव रिटर्न्स है ना कुछ कुछ सालों में, इसीलिए। सो इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो गया। नेक्स्ट डेथ क्लेम कितना है? डेथ क्लेम हाँ, डेथ क्लेम कैसे लेंगे बोलो? 30,000 इंटू ये वाला मरने का प्रोबेबिलिटी, इसको ड्रैग करो। ठीक है, डेथ क्लेम के बाद योर एंड का वैल्यू, टोटल योर एंड का वैल्यू निकालो। प्रीमियम माइनस एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट रिटर्न्स माइनस द डेथ क्लेम। उसके बाद ग्रॉस वैल्यू एट दी एंड, कैरीड फॉरवर्ड। एक सेकेंड देखना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशंस चेंजेस होंगे। यहाँ पे दिस इज दिस वैल्यू, क्या होगा बोलो? ये वाला कैसे निकालेंगे? थोड़ा चेंजेस होगा यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि नहीं यहाँ ना एक चेंजेस करो। इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो आपने लिया है ना, इन्वेस्टमेंट रिटर्न में जो साल का स्टार्टिंग का वैल्यू है प्लस जो एडिशनल प्रीमियम आया माइनस एक्सपेंसेस, उस पे रिटर्न होगा ना। तो यहाँ पे आपको एक ये भी लेना पड़ेगा, दिस प्लस दिस। साल के स्टार्टिंग में तुमने वैल्यू ब्रॉट फॉरवर्ड जो भी किया,
प्लस जो नया प्रीमियम आया माइनस जो एक्सपेंसेस हुए उस पे तुमको पूरे साल रिटर्न्स मिलेगा ना। उसके बाद इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ एक बार। उसके बाद अभी तो आंसर्स ऑब्वियसली सेम आएंगे, डेथ क्लेम जैसा है वैसा, और ये टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर भी क्या हो जाएगा बोलो। इसमें भी हम लोग ये वाला कंसिडर करेंगे ना, ये वाला, ठीक है। एंड देन दिस इज, ये कैसे निकालेंगे, ईयर एंड का जो वैल्यू है ये। एक्चुअली एक चीज करो, ये टीवी होगा, सो दिस इज दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस। नॉट प्लस, माइनस क्यू एक्स। तुम ये कैसे निकालती हो, रिजर्व एट दी मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिसी एट दी एंड कैसे निकालते हैं? ये जो तुमने यहाँ निकाला पूरा, यहाँ जो ये जो वैल्यू आ रही है, तो तुमने बस वैल्यू निकाला, बट यू नीड टू ऑल्सो कंसिडर कि जो लोग जिंदा हैं, खाली उनका वैल्यू लेना है ना अपने को। रिकर्सिव, यूजिंग रिकर्सिव अप्रोच बोला है ना। तुम लोग क्या करते थे जब अक्यूमुलेट करते थे, सॉरी जब डिस्काउंटिंग निकालते हो तो क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते हो ना, अक्यूमुलेशन करते हो, डिवाइड बाय एनपीएक्स करते हैं, ये वो है। नहीं, क्योंकि ये तो योर एंड का ही वैल्यू है ना, और तुम्हें योर एंड पे ही चाहिए, तो इसीलिए इनटू 1 प्लस आई नहीं कर रहे, बट डिवाइड आप इसीलिए करो बिकॉज यू नीड टू कंसिडर, यू नीड टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ओनली फॉर दोज पीपल हु आर अलाइव। तो ये प्रपोर्शनेट वैल्यू है, ये वैल्यू है पूरे, मान लो 100 लोग जिंदा है, 100 लोगों से आपने स्टार्ट किया पॉलिसी, ये है वैल्यू ऑफ द पॉलिसी एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द 100 पीपल, बट एट द एंड ऑफ द ईयर ओनली 99 पीपल आर अलाइव, तो ये उसके लिए है। इफ ओनली 99, यूनिटरी मेथड आता है, 100 लोग के लिए है 1124, 1124 100 लोगों के लिए, तो 99 लोगों के लिए कितना होगा, 1124 डिवाइडेड बाय इनटू 99, विच इज व्हाट, 0.99, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना पीएक्स से, हम लोग इधर पीएक्स से डिवाइड कर रहे हैं, नॉट मल्टीप्लाई। नहीं, डिवाइड ही होगा, क्योंकि आप आगे लेके जा रहे हो ना उसको, आप निकाल रहे हो फॉर द पीपल हु आर अलाइव, एज इन देखो यहाँ पे जो आपने निकाला टोटल आंसर कितना आ रहा है, एक सेकेंड, आंसर है इनका आंसर और मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट, पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। फर्स्ट वाला आंसर फिर ये वाला होगा, सिंपली आप इसको लिख दोगे, ये वाला वैल्यू, एक बार मैं इसको करती हूँ ताकि आई जस्ट वांट टू मैच द आंसर्स का। लास्ट वैल्यू 368, थोड़ा मेरा डेसिमल्स, आई डोंट नो, इन्होंने शायद कहीं अप्रोक्सीमेशन करा है। हाँ मैम एंडाउमेंट अश्योरेंस है तो लास्ट में मैच्योरिटी बेनिफिट में पूरा। करेक्ट 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 करेक्ट, डेथ क्लेम में यहाँ पे गड़बड़ है।
क्योंकि एंडाउमेंट है ना. नहीं बट वो हम लोग अलग से निकाल रहे हैं एनीवेज, वो इधर नहीं है. वो हम लोग को एनीवेज मेच्योरिटी पे तो वो भी देना है ना. वो नहीं है, उसका फर्क नहीं पड़ता, ये डेथ क्लेम ही है. वो तो हम लोग एनीवेज निकालेंगे अलग से. अरे देखो ना, जैसे ये हम इसमें हम डेथ क्लेम में तो कंसिडर कर ही रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल डाई. सो बेसिकली आई वांट कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द पॉलिसी. ये मैं कैसे समझाऊं, तुम लोग रिकर्सिव में नहीं करते हो डिवाइडेड बाय एनपीएक्स. हाँ तुम लोग प्रोस्पेक्टिव में नीचे से जाते हो ऊपर, तो जब नीचे से ऊपर जाते हो तब क्या करते हो, इनटू वी इनटू एनपीएक्स करते हैं अपने. तो जब ऊपर से नीचे जाओगे तो इनटू आई, 1+i डिवाइडेड बाय एनपीएक्स करना, उल्टा करना होगा ना. जब यहां से यहां जाते थे तो क्या करते थे, इनटू वी, इनटू वी मतलब डिवाइड बाय 1+i कर रहे हैं, एंड इनटू एनपीएक्स, इनटू एनपीएक्स कर रहे हो बेसिकली. कि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर एक वैल्यू ऑफ रिजर्व आ रहा है तो उसको आप जब ऊपर लेके जा रहे हो, आप उसी के लिए ऊपर लेके जा रहे हो जितने लोग उस साल जिंदा थे, एंड उसमें वैल्यू निकाल रहे हो उसका रिजर्व का, विच शुड रिड्यूस. बट इस केस में आप रिजर्व आगे लेके जा रहे हो, मतलब पॉलिसी, इट्स नॉट रिजर्व एक्चुअली बट पॉलिसी का वैल्यू आप आगे लेके जा रहे हो. तो आप क्या बोल रहे हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर इतने लोग हैं, ये आपका अमाउंट आया, यू आर सेइंग कि अगर मतलब 99 लोगों का इतना वैल्यू था तो 100 लोगों का कितना होगा, वो आप निकाल रहे हो. आप उल्टा कर रहे हो अप्रोच. देखो यहाँ बेसिकली हम लोग ये जो है, ये अगर मैं बोल रही हूँ 99 लोगों के लिए है वैल्यू ऑफ द पॉलिसी एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है. बट तुम्हें निकालना है कि वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू क्या है विच इज बीइंग कैरीड फॉरवर्ड, आगे लेके जा रहे हो. तो 99 लोगों का 1124 है, तो 100 लोगों का कितना होगा, यू आर डिवाइडिंग बाय 0.99. 99 का इतना है तो बाकी लोगों का क्या होगा, दैट फिगर डिवाइडेड बाय 99 इनटू 100, मतलब आप डिवाइड बाय 0.99 कर रहे हो. तो इट शुड इंक्रीज, इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग फॉर ऑल. अब मेरा जो पॉइंट डेसिमल्स में आई डोंट नो डिफरेंस आ रहा है, आई थिंक समवेयर और दी अदर इनका एक्सपेंसेस में है डिफरेंस, कि कहाँ पे है. L7, L7, हाँ सही है. क्या बोला तुम, क्या बोला? वही तो, कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न में ऐसे निकाले, जो तुम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो वो तो तुम मिल रहा है, वो तो तुमको इसी में ही मिल रहा है. अच्छा इसको भी अपने को योर एंड पे अक्यूमुलेट करना है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. हाँ तो इस रेट से अक्यूमुलेट तो हुआ ही ना. तुम आइडियली क्या कर रहे हो, तुम इसको जो तुम कर रहे हो, दिस माइनस दिस, बेसिकली दिस प्लस दिस माइनस दिस इनटू 1+i, वो आई तुमने यहाँ लिख लिया, फिर तुम उसको इधर पे ऐड कर दे रहे हो. बात तो एक ही है, दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस ये. अगर तुमको वैसे करने, एक बार वैसे भी कर सकते हैं आई गेस, लेट्स इंसर्ट वन कॉलम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रीमियम, योर एंड वैल्यू
एक्चुअली ये योरन वैल्यू किसका है? प्रीमियम, प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस का, विच इज दिस प्लस प्रीमियम माइनस दिस इनटू वन प्लस आई इधर. ठीक है, अब इसमें तुम स्ट्रेट अवे इतना मत लो, खाली इसको ऐड कर दो, तो भी तो सेम ही आंसर आ रहा है. कहाँ चेंज हो रहा है? कौन नहीं है? सेम ही चीज है. आंसर सेम ही आ रहा है ऑलमोस्ट. ठीक है, ये तुम्हारा, एक सेकेंड, ये तुम्हारा वैल्यू ऑफ द पॉलिसी एट दी योर एंड है. ठीक है, ध्यान से सुनना, इन लोग इसी में क्या बोल रहे हैं करने को, इन लोग इसी में बोल रहा है डिटरमाइन द टर्मिनल बोनस दैट वुड बी पेबल एट मैच्योरिटी फॉर दिस पॉलिसी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड. अब सुनो, अगर ये मेरा लास्ट में पॉलिसी का वैल्यू बच रहा है और मेरा पॉलिसी मैच्योर हो चुका है तभी इतना आ रहा है ना फॉर वन पर्सन, तो ये पूरा उसको मिल जाएगा. किसको मिल जाएगा पूरा? हाँ, मतलब जो मैच्योर होगा उसको पूरा मिल जाएगा. तो ये आइडियली मरने पे मिल रहा था 30,000, बट मैच्योरिटी पे मिल रहा है 36840. सो व्हाट इज द टर्मिनल बोनस? टर्मिनल बोनस इज बेसिकली योर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एट, कब खत्म हो रहा है पॉलिसी? हाँ, 2020 पे खत्म हो रहा है. एक ही बात है, वो 1st December, उस हिसाब से लिख दो. तो उस समय आपका वैल्यू देख लो ये है, एक बार सुन लो, बेसिक सम अश्योर्ड 30,000 है, तो आपका टर्मिनल बोनस उसको कितना मिला? दोनों का माइनस, मतलब दिस माइनस दिस, उसको टर्मिनल बोनस मिला ना, तो रेट ऑफ टर्मिनल बोनस बिकम्स दिस डिवाइडेड बाय 30,000, 22%. मतलब इतना उसको एक्स्ट्रा मिला, तो ये कितना है 30,000 का? 22.8% है. ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट करो. दिस इज द आंसर. उसके बाद मेरा कम होते जा रहा है. 9.5 में ऐसा कुछ आ रहा था. Three six six.
सब क्या बोला अब क्या वैल्यू ऑफ पॉलिसी एक्ट फॉर लास्ट में तो 3680 है ठीक है सर बेसिक समीक्षा का इस अंदर का ये टर्मिनल बोनस माइनस का टू क्या है एक्सट्रा बोनस में का उसमें लिखना है तुम्हें With the end of the end of sex as a given was equal to the responsibility. Next question. क्या है? Wow. एक जन लिखे हैं उड़ीसा आल्सो उड़ीसा इज नॉट द प्रॉब्लम योर स्लीप इज द प्रॉब्लम रेट इज 6840 डिवाइड बाय 30,000 नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करके खुद से करो तो फटाफट स्टार्ट करो डोंट वेस्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का है हाँ तो करो 10 मिनट में खत्म करो पता नहीं कुछ अजीब सा हो गया इसी में 26 पे करने से भी कुछ नहीं है 27 25 पे करते ही ठंड लग रहा है करे रीड नेक्स्ट क्वेश्चन आई तुम्हारा आया आदित्य देखो तो उसका आया कि नहीं ट्रस्ट नहीं करते तुमको ना संस्कृति नाम है ना वहां संस्कृति खाली लिख दिया होगा फॉर्मूला लिखा है कि नहीं चेक करो एक बार 22.8 वो लिख दिया होगा
मेजर। चलो रीड करते हैं क्वेश्चन। एंड इन्फ्लेशन इंडेक्स इज सेट आउट। ओ वाह, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन तुम लोग किया है ना, मनी यील्ड, रियल यील्ड। कल कोई बोल रहा था इंटरेस्ट रेट का चैप्टर नहीं किया है। तो घर जाके क्या करते तुम लोग, सुबह सुबह क्या करते? 10:30 क्लास स्टार्ट होता है ना। एंड इन्फ्लेशन इंडेक्स इज सेट आउट इन क्वेश्चन टू बेस वर्कशीट ऑफ एक्सेल आंसर वर्कबुक। ये वाला में यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स का वैल्यू गिवन है। अब बोल रहे कैलकुलेट द एनुअल इफेक्टिव इन्फ्लेशन रेट ओवर द प्रीवियस 12 मंथ्स फॉर ईच मंथ फ्रॉम जनवरी 2004 टू दिसंबर 2019 यूजिंग द इंडेक्स वैल्यूज प्रोवाइडेड। 12 मंथ ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2004, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2004 हम लोग को इन्फ्लेशन रेट निकालना है ओवर अ 12 मंथ पीरियड टाइम, मतलब 178.4 डिवाइड बाय 173.3, बस आ गया आंसर। करो ठीक है, इस शीट में इन्होंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। सो वी विल जनवरी देख लो एक बार आंसर, दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस वन। ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज दिस इनटू इंटरेस्ट मतलब परसेंटेज यू कैन डू इट। सिंपल लास्ट आंसर देख लो, इजी यार, इसमें कुछ नहीं है। कितने मार्क्स के वाला है ये? किसको किसको नहीं आया था? माइनस वन नहीं करोगे तो इंक्रीज नहीं आएगा ना। तुमको रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है इसीलिए। चलो इन्वेस्टर परचेज 10 मिलियन नॉमिनल ऑफ अ न्यूली इशूड 15 ईयर इंडेक्स लिंक सिक्योरिटी ऑन 15 जनवरी 2004 एट अ प्राइस ऑफ 100। द सिक्योरिटी पेड कूपन्स हाफ ईयरली इन अरियर्स। तो 10 मिलियन का 10 मिलियन नॉमिनल अमाउंट का हमने परचेज करा है 15 ईयर इंडेक्स लिंक सिक्योरिटी, प्राइस हमने दिया उसका 100 पर 100 नॉमिनल। द सिक्योरिटी पेड कूपन्स हाफ ईयरली इन अरियर्स एट अ नॉमिनल ऑफ 1.5% पर एनम एंड वॉज रिडीम्ड एट पार। पार में हमने उसको रिडीम कर लिया है। द कूपन्स एंड द रिडेम्पशन पेमेंट ऑफ द सिक्योरिटी वर इंडेक्स्ड in line with the inflation index values allowing for a 3-month lag. ठीक है,
तो बेसिकली लैग का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेते हैं अगर किसी को नहीं आता, एकदम बेसिक है। जब आप एक इंश्योरेंस, जब आप एक सिक्योरिटी खरीदते हो, लेट्स सपोज मैंने एक इंडेक्स लिंक बॉन्ड खरीदा, ठीक है, मैंने एक इंडेक्स लिंक बॉन्ड खरीदा, अब क्या होता है जब आज मैंने एक इंडेक्स लिंक बॉन्ड खरीदा तो उसके बाद मैंने उसका एवरी सिक्स मंथ्स मेरे को उसका कूपन मिल रहा है, ठीक है। अब जो एवरी सिक्स मंथ्स मेरे को उसका कूपन मिल रहा है, लेट्स सपोज 5% नॉमिनल का मीनिंग क्या है, मैंने अगर 10,000 नॉमिनल अमाउंट का वैल्यू का बॉन्ड खरीदा है तो 10,000 का 5% मेरे को मिलेगा। इंडेक्स लिंक बॉन्ड, ये हो गया नॉर्मल बॉन्ड। इंडेक्स लिंक बॉन्ड का मतलब होता है कि भाई ये जो 5% है ये इन्फ्लेशन एडजस्ट होके आपको मिलेगा, मतलब 5% इंटू 10,000 तो है ही, इंटू आपका एक इन्फ्लेशन एडजस्ट होगा। बट अब सपोज आज जनवरी है, नेक्स्ट आपको मिलना है जून एंड में, तो ऑब्वियसली जून एंड का आपको इन्फ्लेशन पता नहीं है। जब उस समय मिलेगा, जून में जब मेरे को मिलेगा पैसा, तब तो मेरे को इन्फ्लेशन उसी समय नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैं तो पहले से कंपनी पहले से फंड बना के रखता है ना पे करने के लिए, तो वो एक लैग लेके चलता है कि भाई जब जून एंड में इसको पैसा देंगे तो पैसा तो पहले से जुगाड़ना होगा। तो सपोज 3 month का लैग हमने रखा, अप्रैल में हम देख रहे हैं कि अप्रैल का इन्फ्लेशन रेट इतना परसेंट है, तो अप्रैल के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, एंड जनवरी में बॉन्ड इशू हुआ था, तो आप बेस किसको लोगे? अगर आप 3 महीना पहले करो तो आपको बेस भी तो 3 महीना पहले का लेना होगा ना, बेस तो जनवरी का नहीं ले सकते, तो बेस भी 3 महीना पहले का होता है, मतलब अक्टूबर। तो अक्टूबर एंड अप्रैल आप यूज करके उसको पे करोगे इन मंथ ऑफ जुलाई। सेम जब दिसंबर में 6 monthly पेमेंट है, तो दिसंबर में जब पेमेंट आया तो दिसंबर में जो कूपन पेमेंट मिलेगा उसका उन लोग अक्टूबर ऑफ दिस ईयर एंड अक्टूबर ऑफ प्रीवियस ईयर को लेके उन लोग पे करेगा। दैट इज व्हाट अ लैग कॉन्सेप्ट मींस। तो जब मिलता है पैसा तब उसमें लैग होता है। अब पैसा मिल गया, 20 साल हो गए खत्म, 15 साल हो गए इंडेक्स लिंक बॉन्ड खत्म, उस समय मेरे को देखना है कि भाई मेरा कितना रियल रिटर्न मैंने कमाया है। सो मुझे पैसा तो मिला था जुलाई में, तो मुझे जब पैसा जुलाई में मिला मैं तो जुलाई का ही रेट मानूंगी ना इन्फ्लेशन का। तो अब जब आप रियल रेट निकालते हो तो आप जनवरी एंड टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं करते हो, आप जुलाई और जनवरी उसका आप इन्फ्लेशन रेट्स लेके कैलकुलेट करते हो। जो आपको मनी मिला, मनी मिल गया, मनी आपके बैंक में क्रेडिट हो गया, अब मनी मिलने के बाद वो जो मनी का अमाउंट है उसको हम लोग जुलाई जनवरी दिसंबर जनवरी जुलाई जनवरी उससे वो वाला इन्फ्लेशन रेट्स लेके हम लोग उसको सबको रेट्स को लेके जाएंगे जनवरी के फॉर्म में, क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करोगे तो आप जनवरी पे लेके जाओगे एंड जो प्राइस आपने पे किया था उससे कंपेयर करके अपना रियल रिटर्न निकालोगे। दैट्स द एंटायर कॉन्सेप्ट इन 2 minutes, ठीक है, गॉट इट? एक जिसको तुम तो किया ही नहीं है ना शायद, हाँ अभी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इन्फ्लेशन ये वाला क्लियर है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि कैलकुलेट अज्यूमिंग द इन्वेस्टर सिक्योरिटी, मतलब देयर पर्सन विल होल्ड इट अंटिल रिडेम्पशन, एनुअल मनी यील्ड एंड रियल यील्ड। यू मे अज्यूम दैट ऑल मंथ्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। चलो इसको करो। अच्छा ये इसमें इधर नहीं, सो इसमें इन्होंने क्या बना रखा है, मंथ्स प्लस 3 months, ये इन्होंने इसीलिए 3 months का लैग के लिए बनाया है। तो आप लोग क्या करोगे, इक्वल्स टू हम लोग स्ट्रेट अवे ये अप्रैल वाला ले लेते हैं, ठीक है, बस इसको ड्रैग कर दो। पहले ना कॉलम हेडिंग्स थोड़ा आता था बट अब तो एकदम भी नहीं आते हैं। एप्लीकेबल इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, VLOOKUP फंक्शन यूज करके निकालेंगे? मैं VLOOKUP से जनवरी ले रही हूँ, नॉट दिस वन। कहाँ जाके पूरा इसमें हम लोग का इंडेक्स का वैल्यूज है, इसको बना दो एब्सोल्यूट, सेकेंड कॉलम से एक्सट्रैक्ट करना है एग्जैक्ट मैच, देख लो इसको यहां तक करो।
नेक्स्ट करें, याद समझ आया तुमको? नेक्स्ट अब देखो मंथ यहाँ पे ले लो, बेसिकली ये तो हम लोग का जनवरी मंथ ही है, तो जैसे इन्होंने लिखा है ना वैसे ही लिखेंगे 2000। कब से स्टार्ट हो रहे, कब लिया है, कब खरीदा है? तो जान 2004 का जान है ना, उसके बाद 2004 लिंक कैसे करेगा भाई, क्योंकि छह छह महीना है ना, आई 44 हो गया ये, देख लो जनवरी जुलाई, जनवरी जुलाई आ रहे ना। इंडेक्स वैल्यू विथ लैग, मतलब यहाँ पे आपको कौन सा इंडेक्स वैल्यू लेना है, आपको यहाँ हम लोग बेसिकली जनवरी 2004 बोला है ना, तो एक दो तीन ये वाला जनवरी 2004, हाँ ये वाला लेना होगा ना, 177 वाला लेना होगा आपको। 3 महीना पहले का लेंगे ना, जैसे मैंने भी समझाया, तो जनवरी 2004 में आप कब का लोगे, अक्टूबर 2003 का, 3 महीना पहले का। तो बेसिकली देखो जनवरी 2004 में हम लोग ये अक्टूबर 2003 का वैल्यू लेंगे, विच इज दिस। ये आपने कौन सा, ये वाला जो वैल्यू उठाया वो तो इस बेसिस पे उठाया ना, और ये प्लस 3 मंथ्स है, तो जनवरी 2004 जो यहाँ आ रहा है इसका 3 महीना पहले हुआ अक्टूबर 2003, उसका वैल्यू उठाना है। तो यहाँ वी लुकअप से कैसे करेंगे, वह देखो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रखो, टेबल आ रही ये दोनों सिलेक्ट करना खाली, सेकेंड कॉलम एंड एग्जैक्ट मैच। तो देखो 177.9 आया, सिमिलरली जुलाई 2004 का अप्रैल 2004 होगा ना, तो देखो जुलाई 2004 का अप्रैल 2004 है, उसका रेट 181.2 आना चाहिए, तो 181.2 आ रहा है। 3 महीना पहले का उठाएंगे ना रेट्स, क्लियर है कि नहीं, जिन्होंने किया है यहाँ वाले लोग, क्लियर है तुम लोगों को? एक बार देख लो, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड मेकिंग दिस एज एब्सोल्यूट, मनी पेमेंट कैसे निकालेंगे? अच्छा यहाँ पे ना ये सब फिल कर देते हैं, नॉमिनल अमाउंट कितना था, कूपन परसेंट 1.5 और रिडेम्पशन इज 100%, तो मनी पेमेंट कैसे निकलेगा, नॉमिनल इनटू कूपन रेट इनटू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। एब्सोल्यूट नहीं किया,
अच्छा हाफ ईयरली है ना, ये तो पर एनम रेट है, ये पर एनम है क्या? देखो तो डिवाइड बाय टू कर दो, जाओ जाओ तुम जाओ। कौन सा वाला, पहले वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला, सेकंड वाला ना, देखो अब एक बार मैच करो क्या गलती है। मैम मेरा इंडेक्स वैल्यू विथ लैग में सेकंड वाला एन ए एंड फोर्थ वाला एन ए वैसे शो हो रहा है। तुमने इसको एब्सोल्यूट किया है? यस मैम। एंड ये वाला शायद तुम लोगों का डेट फॉर्मेट नहीं लिया है, तुम लोग कैसे लिखा है? मेक श्योर दिस वे ऑफ राइटिंग इज सिमिलर टू दिस। 2004 फुल जैन, 2004 फुल जुलाई, मतलब कैपिटल्स में ये फॉर्मेटिंग मेक श्योर सही हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। वी लुकअप में अगर आंसर नहीं आ रहे, एन ए आ रहे, मतलब दे आर नॉट एबल टू फाइंड दिस वैल्यू ओवर हियर, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल अगर आपने इसको अच्छे से फ्रेम नहीं लिखा है फॉर्मेट में, कहीं स्पेस इशू होने से भी होता है वी लुकअप में आंसर नहीं आता, एन ए आता है। पीवी ऑफ पेमेंट हो जाएगा दिस। अच्छा मनी रेट ऑफ रिटर्न, एक काम करो मनी यील्ड हम लोग यहाँ पे एक अज्यूम कर लेते हैं, मनी यील्ड यहाँ पे एक अज्यूम कर लो 5% का। तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इंटू वन प्लस मेक इट एब्सोल्यूट टू द पावर माइनस, हाँ ठीक है, पीवी निकालना है। हाँ ऐसा, करेक्ट। अब सही है, अब मैच करो। ये मैंने यहाँ पे इनका ऑलरेडी ये थिंग बना हुआ है, आई थिंक इन्होंने उसी को हटा के दे दिया है, तो ये ऐसा आ रहा है। अब टोटल पीवी निकालेंगे, ठीक है, बाय, थैंक यू। ये टोटल पीवी आया, नाउ दिस टोटल पीवी शुड बी इक्वल टू व्हाट? प्राइस कितना पे कर रहे हैं हम? प्राइस कितना पे कर रहे हैं? प्राइस इज इक्वल ना, दिस इज ओनली प्राइस तो सेम ही है 100, देखो वही तो लिखा था इन्होंने, प्राइस इज 100 पर 100 नॉमिनल, तो 10 मिलियन ही पे कर रहे हैं। तो गोल सीक, कितना जीरोस होगा? 10 मिलियन है, 10 मिलियन है ना, 1 2 3 कॉमा नहीं दे सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eight. By changing this. Zeros कम दिया क्या मैंने? एक सेकेंड, मैंने इधर गलत दिए नहीं. 3 और 4, 7. -12 थोड़ी आएगा. नहीं नहीं कुछ गलत है. आई रिडेम्पशन, रिडेम्पशन अमाउंट कौन लेगा? रिडेम्पशन प्लस दिस इनटू 100%. रिडेम्पशन नहीं लिया ना हमने, इसीलिए ऐसा आ रहा है. अब देखो चेंज हो गया ना, फिर से इसको चेंज करना होगा. इसको मैं ये कर देती हूँ कलर हाईलाइट, भाई तो इतना ज्यादा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाय चेंजिंग 5%. इसको इंक्रीज करते हैं डेसिमल्स. रिडेम्पशन नहीं लिया था. हाँ करो करो, क्योंकि प्राइस उतना पे किए हैं और तुम्हारा पूरा पीवी जो तुमको मिल रहा है should be equal to PV of outgo equation of value. हाँ इंटरेस्ट रेट मैंने ऐसे ही लिया था ना रैंडमली 5%, फिर चेंज किया, तो तुम्हारा आंसर्स मैच नहीं होगा. अब अगर तुम लोगों ने गोल सीक, क्योंकि मैंने कर दिया है गोल सीक, तो गोल सीक करने के बाद आंसर्स मैच नहीं होगा. गोल सीक मैंने कर दिया है. क्या रहे तुमने ये लिया रिडेम्पशन, कैसे लिया वो चेक करो आंसर. इंडेक्स वैल्यूज गलत आ रहे होंगे. लास्ट वाला इंडेक्स वैल्यू मैच करो. आई गलत है तो रिडेम्पशन में तुमने मल्टीप्लाई नहीं किया. ये वाला रिडेम्पशन में भी तो इन्फ्लेशन मल्टीप्लाई होगा, रिडेम्पशन अमाउंट भी तो इन्फ्लेट होके मिलेगा. हाँ ये वाला, ये तुम्हारा दिस डिवाइड बाय दिस, इसको तुम वो करोगी ना एब्सोल्यूट, क्योंकि जब ड्रैग करेंगे तो उतना परसेंट से तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है. लैग है ना, सो थ्री मंथ्स पहले का हो जाएगा. तुमको पेमेंट मिल रहा है जुलाई में, बट जुलाई के 3 महीना पहले अप्रैल का एंड जनवरी के 3 महीना पहले अक्टूबर का यूज होगा. वही हो रहा है, वही दोनों यूज हो रहा है. 4.518 इजी है. अब नहीं होगा, आज करो, मैं करा रही हूँ ना, 2-3 आएगा तो तुमको नहीं होगा. मेरे से पढ़ने के बाद किसी को दिक्कत नहीं होती, पढ़ो. एक सम की हो ना आज, इसको घर जाके दोबारा बना लेना. फिर नेक्स्ट वापस इंडेक्स लिंक तो काफी बार आएगा, वापस इंडेक्स लिंक आएगा तब तुमको और अच्छा लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम में और तुमको बेटर हो जाएगा. एक बार एक्सेल में सीख जाओगी ना तब पेन पेपर पे तुमको इजी हो जाएगा. एक दो बार टाइम लगता है, टाइम लैग का कॉन्सेप्ट थोड़ा है वैसा. इंडेक्स वैल्यू विथ नो लैग, तो ये अपने नॉर्मली एक बार देख लो, वी लुकअप करेंगे.
ये वाला वैल्यू ही लेके, क्योंकि अब रियल यील्ड निकालना है, ये पूरा टेबल सिलेक्ट होगा, यहाँ वाला पूरा टेबल, ठीक है? क्योंकि आपको लेफ्ट मोस्ट कॉलम का ही वैल्यू देखना है, जनवरी का ही चाहिए, जुलाई का ही चाहिए, अप्रैल और अक्टूबर का नहीं चाहिए। थर्ड कॉलम उठाना है, एग्जैक्ट मैच, ठीक है, ये आ गया। फिर रियल एडजस्टमेंट फैक्टर। अब रियल एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, हम लोग पीछे लेके जाते हैं ना, सो बेसिकली दिस इसको एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि पैसा मिला जुलाई में बट उसका बेस कहाँ लेके जाना है, जैन में, तो जहां लेके जाना है उससे होता है मल्टीप्लाई, और जहां का है उससे होता है डिवाइड, ठीक है? तो जहां का है उससे डिवाइड करें, और जहां लेके जाना है उससे मल्टीप्लाई करें। बस अब इसको ट्रैक करोगे, ठीक है, देख लो एक बार। उसके बाद पेमेंट इन जनवरी क्या हो जाएगा, जो भी पेमेंट आपको मिला था, ये वाला मनी पेमेंट, जो भी आपको मनी पेमेंट मिला था, इनटू, बस हो गया। अब ये ऑब्वियसली इससे कम होगा, तो एक बार के लिए मैं 3% ले रही हूँ, फिर जो भी चेंज होगा, दिस इनटू 1 + 3%, इसको एब्सोल्यूट कर दिया टू द पावर -0.5, अगेन। हाँ अब तो ठीक है, अब तो ये आ गए इधर, इसका सम ले लेंगे, एंड गोल सीक डेटा, व्हाट इफ गोल सीक, इसको करना है 1 2 3 4 5 6 7 बाय चेंजिंग दिस, 1% से थोड़ा कमी आ रहा होगा, अच्छा 1.249, देख लो। मैच योर आंसर्स क्विकली, इसका थर्ड पार्ट करना है फिर। जुलाई का ही लिया क्या? नहीं, जीरो आएगा।
आया सबका क्यों तुम उसमें नहीं लियो इन्फ्लेशन उसमें भी तो इन्फ्लेशन आएगा कि खाली ऐड कर दियो इन रिडेम्पशन में भी तो इन्फ्लेशन मल्टीप्लाई होगा नहीं क्यों ना तुम बोलो तुम्हारा आया तुम तीनों कॉलम लेके दो कॉलम सिलेक्ट किया है ये वाला वी लुकअप क्या तीनों लेना है उसमें उसमें तो तीनों लेना है क्योंकि तुमको उसमें जनवरी के बेसिस पे चाहिए तीनों लेगा तो लेफ्ट मोस्ट वो देखेगा और थर्ड वाला से तुमको एक हाँ तो लेफ्ट मोस्ट ही तो देखना है दो टेबल यू कैन नॉट सिलेक्ट क्या कर रहे हो वी लुकअप फंक्शन है मत लिख देना सीवी में आई नो एक्सेल एडवांस प्लीज प्लीज इजी तो है इन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे मत आने दो असेस द इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द सिक्योरिटी क्या इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन दिया भाई 4.5% हम लोग को मिल रहा है मनी पे एंड 1.2% हम लोग को मिल रहा है तो क्या क्या लिखोगे एक चीज बताना हम लोगों का कूपन रेट कितना है ए रुको सुनो कूपन रेट कितना है तो एटलीस्ट वी नीड टू एक्सपेक्ट 1.5% रिटर्न क्योंकि आप खरीद रहे हो एट पार प्राइस 100 एट रिडीम हो रहा है आपका एट पार सो कूपन रेट जो है एटलीस्ट उतना तो हमें कमाना चाहिए था बट वी आर अर्निंग लेस देन 1.5% रियल रिटर्न 1.2 है इट इज लेस देन 1.5 तो काहे का इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन
there is no inflation. The inflation is actually wiping off the nominal 1.5% that actually we should have received. Yes. So there is no inflation protection provided by the product since we are making a real yield of 1.2%, which is actually lower than 1.5%, jo at least hum log ko minimum milna chahiye tha, coupon rate. Aap 100 mein khareed rahe ho, 100 mein redeem kar rahe ho, to 1.5 to aana chahiye tha andar, wo to aa hi nahi raha. So there is no inflation protection. And this has been exaggerated because of the effect of time lag. With time inflation बहुत increase हो रहा है अगर हम लोग यहाँ देखें इन्होंने graph बनाने बोला नहीं है आप देखो it is going up at some points but आप क्योंकि 3 month का lag ले रहे हो तो आप कम interest आप कम inflation पे आपको money मिल रहा है but आप ज़्यादा inflation discount कर रहे हो to calculate the real yield आपको money जो मिल रहा है वो तो कम inflation में मिल रहा है और जो real आपको yield आप निकाल रहे हो जिस रेट में वो रेट तो आपका हाई हो जा रहा है क्योंकि आप जनवरी के भाव पे निकाल रहे हो जुलाई के उस पे निकाल रहे हो रेट पे बट आपने आपको मिला किस पे है अक्टूबर पे मिला है अप्रैल पे मिला है यस और नो है ना तो इन्फ्लेशन वाला इफेक्ट टाइम लैग वाला इफेक्ट है जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन आपका कम हो जा रहा है ठीक है और बोलो और क्या बोल सकते हैं अगर हम लोग लास्ट देखें इधर आ जाओ हम लोग आ जाते हैं लास्ट कहाँ है जनवरी 2019 ना सो इफ यू कम टू 2019 लास्ट में इन्फ्लेशन आर वेरी हाई मतलब सीधा 16 से 19 20 चले जा रहे हैं तो ये तो 3 महीने का आपको मिला ही नहीं ना प्रोटेक्शन आपको जो दिसंबर 19 में पैसा मिला वो पैसा मिला आपको अक्टूबर 19 के हिसाब से है ना जबकि 18% के हिसाब से बट आपको देखो लास्ट 3 महीने में जो इतना हाई इन्फ्लेशन था वो तो कंसिडर ही नहीं हो पाया तभी इसीलिए जब मैंने ये देखा देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यू रिडेम्पशन का 1.55 एंड यहाँ 0.96 इतना डिफरेंस आ रहा है आपका रिडेम्पशन फिगर पे क्यों क्योंकि लास्ट 3 महीने में बहुत हाई रिडेम्पशन था जो हम रिकूप नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से और एग्जैजरेट हो गया आपका प्रोटेक्शन ठीक है इसका सोल्यूशन रीड करो एक बार तो मैंने आंसर ही खोल लिया लगता है इसको रीड करो ठीक है